ये रूल आईटी का, सबको सब नहीं आता, ये आईटी का रूल है, सबको सब नहीं आता और ये सब जानते हैं बट मानता कोई नहीं है। जब इंटरव्यू में जान जान बूझ के वो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आप उनको भी पता कि आंसर नहीं दे पाएगा, फिर हम इसको सैलरी नेगोशिएट करवाएंगे कि तुझे आता नहीं था, देखो हम तुझे फिर भी ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिगेस्ट स्कैम ऑन यूट्यूब बाय यूट्यूबर्स। क्या रिज्यूमे दैट गॉट मी जॉब इनटू गूगल, फेसबुक, अमेज़न, फैंग मैंग, जो भी आप बोलो। आपने कभी ना कभी तो इंटरव्यू दिया होगा तो अपने एक्सपीरियंस पे एक बात बताना, क्या रिज्यूमे होता है जो हमको जॉब दिलवाता है, या फिर वो इंटरव्यू होता है, या फिर इंटरव्यू से पहले जो एक एग्जाम रहेगा प्रोबेबली वो होता है, या फिर एक एचआर राउंड होता है जो हमको जॉब दिलवाता है? बताओ कमेंट सेक्शन में, आपने कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग एचआर राउंड में फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज एचआर आपके आंसर से कन्विंस नहीं होती संभव। रिज्यूमे हमको सिर्फ एक चीज में हेल्प करता है, वो होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने में। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी टूल्स यूज करती है कि आपकी वो पर्टिकुलर स्किल्स देखती है वो है या नहीं, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं, वैसे तो देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नोवो वर्स करके कुछ तो है, नोवो रिज्यूम ऐसा कुछ करके है, बहुत सारी कंपनीज हैं यार, बहुत सारी हैं वेबसाइट्स है, ओके। बट मैं आपको बात बोलूं सिंपल सी भाषा में, आप एक जेनरिक ओके चाहे गूगल का वर्ड टेम्पलेट ले लो या कुछ भी ले लो, एक सिंपल सा टेम्पलेट ले लो जो आप प्रोबेबली कॉलेज के टाइम पे यूज करते थे, टेम्पलेट वही लो। बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है वर्क एक्सपीरियंस, करेक्ट, एक होता है सर्टिफिकेशंस, एक होता है इंटर्नशिप्स, एक होता है कॉलेज के प्रोजेक्ट्स। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, एक बार आईटी में आ गए तो प्रोजेक्ट्स की तो वैसे कोई वैल्यू होती नहीं। अभी मैं आपको इस वीडियो में ओके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कितने एक्सपीरियंस पे क्या मैटर करता है। और अगर आप ये यूट्यूबर्स की बात करोगे ना, तो ये अपनी जब वीडियो बनानी होती है इनको, तब ये क्या बोलते हैं, रिज्यूमे दैट गॉट मी जॉब इनटू माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। ओके, जब दूसरे की वीडियो बनानी होती है, पॉडकास्ट करना होता है, तो फिर लिखते हैं थंबनेल में क्लिक बेट के साथ 1 करोड़ पैकेज, इंटरव्यू टिप्स, गूगल इंटरव्यू टिप्स। समय अपना पैकेज कोई नहीं बताता, जब अपने पे आती है तो रिज्यूमे, जब दूसरे की बात आते हैं तो पैकेज, फिर उसकी वजह से फिर रिश्तेदार पूछते हैं, अरे अच्छा राहुल तुम्हारा वीडियो देखा था, तुम्हारा 1 करोड़ का पैकेज पहुंच गया, ठीक है। बट ये अपना पैकेज कभी नहीं बताते। चलो फिर अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट If you are looking for a job or want to change your technology or want to looking for a placement guarantee courses, then Cryo.do is the best platform for you. Cryo.do is a project-based learning platform जहाँ पे आपको full stack backend fellowship program and master program in QA automation प्रोग्राम करने को मिलेंगे। एग्जाम्पल फुल स्टैक डेवलपर में क्या डोनेशन है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने टाइम का है, और एश्योर्ड स्कॉलरशिप लिखा ही हुआ है, तो अगर आप नीचे करोगे तो नीचे देख सकते हो गेट 17,000 स्कॉलरशिप आफ्टर योर फ्री ट्रायल। नेक्स्ट जो इनका मेन आता है वो है फेलोशिप प्रोग्राम, जो एक्चुअली जिसकी ड्यूरेशन 9 months है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी आपको दी जाती है। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो 32,000 तक स्कॉलरशिप मिल रही है। जिन लोगों ने भी क्रायो का कोर्स लिया है वो आज इतनी सारी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। और आपको भी पता है कि यार कोई भी आप अगर कंपनी में अप्लाई करते हो तो मेन चीज जो इंपैक्ट डालती है आपके रिज्यूमे का वो है प्रोजेक्ट्स, तो ये उसी के ऊपर ही फोकस करते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा बने जाए कि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आप इंप्रेस कर सको। अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर कोर्सेस। तो चलो फिर अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप कॉलेज स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, जिसको हम फ्रेशर बोलते हैं, तब क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक होती है इंटर्नशिप्स, एक होता है प्रोजेक्ट्स, या फिर आपने कुछ हैकथन में पार्टिसिपेट किया होगा वो भी एक बात है। बट ये तो होगी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया क्या करूं अभी। देखो इंटर्नशिप मिलनी एक अलग बात है, बट प्रोजेक्ट्स तो आपके हाथ में है, यूट्यूब पे तो सब कंटेंट पड़ा है ना, आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, जावास्क्रिप्ट की या पाइथन की या जावा की, जो भी आप कर रहे हो उसका आपका हैंड्स ऑन करना है ना आपको, तो मेन तो आपको हैंड्स ऑन कंटेंट चाहिए, तो आप प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे, दैट इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैक्सिमम जो मैं बोल सकता हूं हैकेथन, इंटर्नशिप्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो में काम करने को मिलता है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हो गया एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए। जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब क्या मैटर करता है, उस टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस,
वेरिएबल में डिफरेंस, कॉस्ट में डिफरेंस, ट्रिगर्स, प्रोसीजर्स, फंक्शन, ये बेसिक पूछा जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन तो बेसिक पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें आपको अपना एक प्रोजेक्ट बताना होता है कि मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट में काम करता हूं, मेरा इस टाइप का अकाउंट है, इस टाइप में ये काम होता है। या तो अगर आप समझदार हो, अगर आपने नहीं ज्यादा काम किया तो वो काम बता दो जो आपके दोस्तों ने किए, ओके, और जिसको आप जस्टिफाई भी कर सको, जिसमें आप कॉन्फिडेंट भी हो। तो यही एक होता है, इसलिए मैं बोलता हूं आप एक साल के एक्सपीरियंस पे भी झूठ बोल सकते हो कि मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, क्योंकि आप प्रोबेबली टॉपमेट पे या लिंक्डइन पे किसी के साथ कनेक्ट करके या अपने दोस्त के साथ कनेक्ट करके एक झूठ सीख सकते हो कि मैंने इस समय सपोर्ट में काम नहीं किया था, मैं डेवलपमेंट में करूंगा, मतलब मैं इंटरव्यू में ऐसा बोलूंगा मैंने डेवलपमेंट में किया था। ठीक है, ये आप तभी बोल पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप कॉन्फिडेंट का फील करोगे, जब आपको कोई बताएगा कि हाँ ऐसा काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया वन ईयर एक्सपीरियंस पे। टू ईयर एक्सपीरियंस होता है, ये होता है क्रिटिकल स्टेज, ओके, कब, जब आपको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी है। बस अभी इसके बाद अगर ऊपर गया ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रोबेबली सर्टिफिकेशन लगेगा और तगड़े वाला हैंड्स ऑन भी लगेगा। अगर रही बात टू ईयर एक्सपीरियंस की करें तो यहां पे तो देखो अभी काम प्रोजेक्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो प्रायोरिटी है, कॉलेज के प्रोजेक्ट तो भूल ही जाओ। अगर आपने कुछ तगड़ा किया था इंटर्नशिप के टाइम पे, कुछ अच्छा बड़ा हैकथन में कुछ अच्छा अवार्ड लिया है, तब आप वो चीज प्रोबेबली मेंशन कर सकते हो। बट 99% आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपके बेसिक क्वेश्चंस ऑन योर टेक्नोलॉजी जो भी आप हो, प्लस आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। और इंटरव्यू क्वेश्चंस आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, लोगों की गिटहब प्रोफाइल पे भी मिल जाता है, लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो सब मिल जाएगा। टू ईयर्स एक्सपीरियंस में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि दिस इज द लास्ट ईयर जब आप अपना टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, और जब आप बस आप लास्ट झूठ बोल सकते हो। अब मैंने क्या बोला, बेसिक क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट्स की नॉलेज अभी पूछी जाती है। ठीक है, ये बोल रहा हूं ये आएगी तब जब आप लोगों से बात करोगे या फिर जब आप उन लोगों के चैनल फॉलो करोगे जो प्रोबेबली आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में ही बनाते हैं, रेदर देन कि हाउ टू गेट इनटू गूगल, हाउ टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको क्या फायदा मिलने वाला भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी है ना, या फिर प्रोबेबली मुझे 2 साल पे भी स्विच मारना है एक और सर्विस बेस्ड कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टाइम मैंग में चले गए। सिंपल सा पढ़ना है, पहले डीएसए पढ़ो यार, गीक्स फॉर गीक्स है, लीड कोड है, बात खत्म होगी। उधर सैलरी भी मिलती है, सब कुछ मिल जाता है, क्वेश्चन भी मिलता है, सब कुछ है। अभी आया मोर देन टू ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। अभी यहां पे सर्टिफिकेशन कर लोगे ना तो एक अच्छा सा एडवांटेज और एज देता है एज कंपेयर टू यूर सेम टेक्नोलॉजी कलीग्स। ठीक है, यहां पे और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट देगा आपको, आपका एक्स्ट्रा बनाए हुए प्रोजेक्ट्स जो आप गिटहब पे डाल रहे हो, आपका जो रिज्यूमे है उसमें आप लिख सकते हो कि भाई मेरे गिटहब प्रोफाइल है, मैंने वहां पे मोर देन 80 प्रोजेक्ट्स बना चुका हूं। तो इससे क्यूरियोसिटी दिखती है सामने वाले को, क्योंकि जो आपका काम होता है ना ऑफिस का, वो हर कोई कर ही लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सिखा देता है। सामने वाला इंटरव्यूअर क्या देखता है, आप कितने क्यूरियस हो भाई अपने काम में, कितना आपके अंदर सीखने का जज्बा है। तो ये बोलता है अच्छा गिटहब पे आपने 50 प्रोजेक्ट्स बनाए, कब बनाए, ये पूछे कब बनाए, ऑफिस में काम नहीं था क्या जो भी इतने सारे बना लिए, तब आप बोलोगे नहीं मुझे सोचा मेरे पास वीकेंड पे जब मेरे पास टाइम होता तो मैं बनाता हूं। तो मैं बोल वर्क एक्सपीरियंस काम आएगा मोर देन 2 ईयर से लेकर 5 ईयर, क्वेश्चंस आपसे स्टिल बेसिक पूछे जाएंगे, ओके, बट थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे जैसे आपका 2 से 3, 3 से 4, 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस पे आ गए ना, थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। रिमोट जॉब्स की बात करूं वो भी आफ्टर 4 ईयर्स ना बेस्ट टाइम होता है, तब क्यों, एक आपने एक अच्छा सा लाइफ में सीख चुके होते हो, अगर स्टार्टअप वार्टअप का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा सीख चुके हो, बट स्टिल अगर एमएनसी का भी है तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, आपको रिमोट जॉब्स का ऑफर आ सकता है। और ये रिमोट जॉब करने की बेस्ट एज भी है, मैं बोलूं एक तो शादी नहीं हुई अगर, क्योंकि यूएस का प्रोजेक्ट है या यूके का प्रोजेक्ट है, तो रात को अगर एक्सटेंड भी करना पड़ गया 10-11 बजे तक तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और पैसा इसमें अच्छा मिलता है, आपकी करंट जॉब से आप 3 गुना मांग सकते हो, मिनिमम 3 गुना मांग सकते हो, डबल से तो ज्यादा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है 5 ईयर से लेके 9 ईयर एक्सपीरियंस तक, ओके, मैं 10 ईयर एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, बट 10 अभी आपने सबको टच नहीं किया, 9 इसलिए बोल रहा हूं, 5 से 9। यहां पे होता है सबसे प्रैक्टिकल इंटरव्यू, जब आपसे रियल लाइफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप किस टाइप का काम करते हो, सपोर्ट में हो तो सपोर्ट के प्रोबेबिली पूरा साइकिल पूछेंगे आपसे, डेवलपमेंट में हो तो डेवलपमेंट का साइकिल पूछेंगे, बिजनेस एनालिस्ट हो तो बिजनेस एनालिस्ट का साइकिल पूछेंगे, कैसे रिक्वायरमेंट लेते हो, कैसे आगे हैंडओवर करते हो, स्क्रम में हो तो सब प्रॉपर रियल बेस्ड टेक्निकल अगर क्वेश्चंस हैं तो टेक्निकल, फंक्शनल है तो फंक्शनल, सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे इसमें। और रही बात इंटरव्यू की एचआर की, एक ही क्वेश्चन होगा, कितना पैसा लोगे भाई, उधर उधर कुछ नहीं होता डिस्कशन फालतू का, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, वो भी नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है, ये सिर्फ चोचले जो होते हैं ये आपको एज अ फ्रेशर लेवल पे पूछे जाते हैं, 1-2-3 साल एक्सपीरियंस मैक्स पे, उसके बाद नहीं। ठीक है, यहाँ पे एचआर में मतलब सीधा सैलरी, और सैलरी नेगोशिएट इस मोमेंट में आप तभी कर सकते हो जब आप बोलोगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को ये नहीं होगी। मैंने ये हार्डवर्क किया वीकेंड पे बैठ बैठ के, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच सैलरी। ठीक है, उसके बाद कंपनी में हाइक होगा नहीं होगा, दैट इज टोटली सेकेंडरी यार, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये हाइक लेना है, आप यहां पे फोकस करो। ओके, और जितने भी इंटरव्यू दे दिए ना मैंने अभी तक, या मैं अभी तक लोगों के सुन चुका हूं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, सामने वाला देखता है कि आप कितने एंथू हो उस टाइम पे इंटरव्यू देने टाइम, आप कितना बड़बड़ा रहे हो, बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो वो बिंदास पूछेगा, ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, यही होता है सामने वाले को इंप्रेस करने का टाइम। पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में इंप्रेस करने का टाइम, सेकंड लास्ट होता है पॉइंट जब यहां पे बोलता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तब यहां पे आप अपनी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ सकोगे। आप बोलोगे मैंने जेडी तो पढ़ लिया, एग्जैक्टली क्या काम होगा, मैं जैसे अभी इतना सारा काम तो कर चुका हूं, क्या मुझे ज्वाइन करने से पहले कुछ और मुझे सीखना चाहिए, अपनी स्किल्स ब्रशअप करनी चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे भी सिमिलर काम मिलेगा, या फिर थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट या कुछ चैलेंजिंग होगा, कुछ एक नई टेक्नोलॉजी पे होगा, कुछ इसमें ऑनसाइट मिलेगा क्या, ऐसे टाइप के आप कुछ क्वेश्चंस एंगेजिंग बना सकते हो उसको, कि मैंने इस कंपनी के बारे में इतना तो पढ़ा था, ठीक है कि भाई इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा भी इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ काम रहेगा और मैं भी कंपनी का थ्रूपुट और बढ़ाने में हेल्प करूं। तो आप लास्ट में थोड़ा सा कन्वर्सेशनल रखो, एंगेजिंग रखो, सामने वाला पक्का इंप्रेस होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये रूल आईटी का, सबको सब नहीं आता, ये आईटी का रूल है, सबको सब नहीं आता और ये सब जानते हैं बट मानता कोई नहीं है। जब इंटरव्यू में जान जान बूझ के वो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आप उनको भी पता कि आंसर नहीं दे पाएगा, फिर हम इसको सैलरी नेगोशिएट करवाएंगे कि तुझे आता नहीं था, देखो हम तुझे फिर भी ले रहे हैं। ये है इंडिया में करते हैं सैलरी नेगोशिएशन, वो अपनी साइड से ऐसे करते हैं। आपको अपने आप को कन्विंस उनको करवाना है कि अपनी पढ़ाई करा के उनको कन्विंस करना है कि भाई नहीं नहीं मैं इतना कर चुका हूं, मैं इतना एंथू हूं, मैं इसमें क्यूरियस हूं, मुझे नाइट शिफ्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूं। वो बात की बात है, उधर मिलेगी नहीं मिली दैट इज सिंपल, आई एम वेरी ओपन। देखो लास्ट में जाके सबको क्रीपी करना है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये सब नहीं है, चाहे जितना भी पैसा दे दो मैं देख लिया, ठीक है ना, चाहे अमेज़न फैंग वालों को भी आप 30-40 लाख के भी उनके पैकेज लग जाएंगे ना, फिर भी बोलेंगे मजा नहीं आया, पैसे नहीं मिल रहे, सच मजा नहीं आया, पैसे नहीं मिल रहे, खुश कोई भी नहीं है, बट होना पड़ेगा। और इसका एंड सोल्यूशन क्या मिलेगा, जब एक कंपनी सेटिस्फाई नहीं तो स्विच मारो, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया आपको टिप्स, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे भी बताया, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जरूर थम्स अप करना और मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक करना, आपको 90% आपके आईटी के जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली जॉब अपडेट मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा यूट्यूब पे डेली सुबह और एक शाम को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।